welcome back to my channel. How are you all? Good morning. It's 6:19 हो गए अभी मैं एकदम से 6:19 AM guys. आज हमारी morning बहुत ही जल्दी शुरू हुई है और हम निकल चुके हैं एकदम मैं आदि और सिद्धांत लाइक ऑलवेज ऑल लाइक एवरी सैटरडे हम सैटरडे ट्यूजडे आई एम सो सॉरी गाइज लाइक एवरी ट्यूजडे हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए. पहले हम जा रहे हैं सीपी हनुमान जी के मंदिर. उससे भी पहले हमें जाना है अपने एक फ्रेंड को पिक करने के लिए तो हम वहाँ जा रहे हैं और चलो फिर चलते हैं गाइज. गाइज तो अभी ना हमारी बात चल रही थी सिद्धांत और मेरी और आदि को क्योंकि आदि को रास्ते ज़्यादा पता नहीं है और मैं और सिद्धांत को थोड़ा बहुत पता है पर सिद्धांत को ज़्यादा पता है तो जब तू इंडिया गेट को कह रही है पुराने दिल्ली लग गई तो मैंने बोला है कि इंडिया गेट लग गया. इंडिया गेट आ गया मतलब उससे समझ लो थोड़ा थोड़ा टच हो गया पुरानी दिल्ली टच हो गया इंडिया गेट को छूता हुआ निकल जाता है कई बार तो आ भी जाता है. तो सिद्धांत और आदि ऐसे बोलेंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे DTC में कंडक्टर थी ये. तो उससे मुझे एक बात याद आई कि जब हम कॉलेज जाते थे ना तो मेरा ऐसा मन करता था हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और हमें बहुत ज्यादा सीट भी नहीं मिलती थी क्योंकि हमारा बस का ही रूट था DTC बस का ही रूट था डायरेक्ट कॉलेज का. तो जब हम कॉलेज आते थे तो हम ये सोचते थे मैं और मेरी फ्रेंड कि यार बस में सीट नहीं मिल रही है कंडक्टर की जॉब करनी चाहिए कंडक्टर की सीट आराम से बैठा होता काम तो कुछ करना नहीं है उसको. और जब से वो डिजिटल वाली टिकट आ गई थी जब से तो उसके और मजे आ गए. तो हम यही सोचते थे कि यार ये वाले जॉब में कितनी सैलरी आ गई थी. डिजिटल टिकट मतलब तुम अपना मेट्रो कार्ड से टिकट ले सकते हो तो उसको कौन सा अलग से काट कर देनी है डायरेक्ट टैप टैप करेगा और वो टिकट दे देगा एक तुम्हें. मुझे नहीं पता तो पूछ रहा हूँ ना इसमें क्या है. तो मैं तुझे बता रही हूँ ना बोलता है ओहो ब्रिज है ये ब्रिज है वो आइफिल टावर है गाइस एडम ब्रिज है इसको ये आइफिल टावर बोल रहा है इसको एडम्स ब्रिज बोल रहा है कुछ भी चल रहा है यहाँ पर कुछ भी चल रहा है तार क्यों निकल रहे हैं. अब पास में आकर देख रहे तो पता चला टार निकल रहा है आइफिल टावर में से. ठीक है समझ गए हम तुम्हारी ज्योग्राफी बोलते हैं इसको. किसको? इसको ये बेसिक नॉलेज को ये तुम्हारी बेसिक जनरल नॉलेज कहते हैं. मैंने कंसीडर कर लिया इसको तेरी नॉलेज ही है उसको जनरल नॉलेज बोलते हैं. कोई नहीं गाइस हम अपने सनराइज पर फोकस करते हुए और फॉग को देखते हुए एंड हियर शी इज गाइस दीपांशी इज हियर दीपांशी प्लीज से हाय. बाकी हम अभी गाइस रास्ते में ही है पहुंच गए ना हम लोग. ओके सिद्धांत काफी देर से साइलेंट है अब उसका रीजन हमें पता नहीं चल पा रहा है बाकी तो रोना ठीक है सिद्धांत यार ठीक है तू कुछ ना भी बोलेगी तो भी मुझे चलेगा. बाकी हम पार्क करते हैं फिर देखते हैं. वी आर एट हनुमान मंदिर. इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी वैसे आज तो काफी ज्यादा लोग हैं काफी रश था बट स्टिल यहाँ पर आने से इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी इतना अच्छा फील होता है. हम हर ट्यूज जाने लगे हैं हर मतलब बहुत अच्छा दिन जा रहे हैं भाई. जो नहीं भी आता है वो भी आओ बहुत अच्छा फील होता है भाई यहाँ पर आकर. और आज तो इतनी ज्यादा भीड़ है मतलब और बंदर भी इतने सारे दिख गए थे पता नहीं कहाँ चले गए बट मैंने स्टार्टिंग में जो क्लिप डाली थी उससे बहुत ज्यादा बंदर थे भाई यहाँ पर आकर चिल कर रहे हैं सब लोग यहाँ पर. सिद्धांत अगेन चाय से डेब्यू होता है उसका मेरे व्लॉग में हमेशा. सिद्धांत के साथ क्या होता है एक्टिंग कर दिखाएगा. ये देख बंदर सिद्धांत का लड्डू का डब्बा ले गए तो लिटरली मजाक से सिद्धांत बंदरों से डब्बा छीन रहा है उसने बोला अबे ओ मुझसे लेगा क्या. कहाँ लेके जा रहे एक थोड़ी लेगा उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी थी भाई. ओ मेरा लड्डू मंदिर में बंदर तो पिट के आशीर्वाद मिला 2 दिन. एंड गाइज अभी हमने सिद्धांत और दीपांशी को ड्रॉप करना था हमने वो कर दिया है. बाकी आज मुझे आदि ने बोला था कि वो बैग जो मुझे लेना था जनपद से यू मस्ट बी रिमेम्बर इन द लास्ट व्लॉग
तो वो मेरे को लेना था और आदि ने आज मुझे प्रॉमिस करा था कि वो रुकेगा पूरे टाइम ताकि मैं बैग ले पाऊँ। बट हम अभी 9:30 बज चुके हैं और 11 बजे मार्केट ओपन होती है, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है कि हम इतनी देर कहाँ वेट करें क्योंकि। सो हमने सोचा है एट द एंड कि हम घर जाएं, तो वही हम आखिरकार घर ही जा रहे हैं गाइस। बाकी बैग का पता नहीं मैं कब ले पाऊंगी, बाकी इसको देख लो, ये वही इंसान है इसको देख लो क्या होता है। अरे चक्कर मारते ना साले में, हो देखते क्या पता खुल गया हो, ट्राई करने में क्या। वी कैन जस्ट ट्राई एंड सी इफ इट्स क्लोज्ड और नॉट, अदरवाइज यू हैव टू गो होम। गाइस मैं घर पर आ गई थी और मैं बस लेट ही रही थी सोने के लिए क्योंकि पूरी रात तो मैं सोई नहीं हूँ। तो जी अम्मी जी आ गए हैं अपना पूरा हक जताने के लिए बाकी जगह पर, तो मैंने पार्टनरशिप कर ली कि भाई इतने में मैं सो जाती हूँ, इतने में तेरे को ज़्यादा जगह दे देती हूँ, पर तू मेरे को बीच में नहीं सोएगा मेरे पैरों के। इतना परेशान करता है ना, पूरी रात में अपने पैर मोड़ नहीं पाती हूँ। सो यही है भैया हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है यमू, डील डन, डील डन है यमू। अभी तो साफ सफाई चल रही है महाराज जी की, दिखा दो अपने साफ सफाई, लगा हुआ है भाई, लगा हुआ है एकदम। एंड गाइस आई जस्ट वोक अप, आज मेरे को इतना ज़्यादा लेट हो गया उठने में क्योंकि मैंने सोचा चलो सो जाते हैं, इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं, और मैं उठी हूँ डायरेक्ट 6:48 PM पर और मेरे को अब निकलना है ऑफिस के लिए। सो अभी बस फटाफट मैं वही कर निकलने वाली हूँ, नहा धोकर खाकर। और आज थोड़ा कुछ स्पेशल था खाने में, बस मेरे को थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दिन में खाना था मुझे, खाना मैंने दिन में कुछ खाया नहीं आकर। और आज हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा पर भंडारा होता है घर में, तो वही मतलब था कड़ी चावल मिक्स वेज बाजरा, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, मैं वही खाने वाली हूँ। फिर हम फटाफट निकलेंगे भाई क्योंकि आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हेयर इज़ माई सुपर थाली गाइज, वैसे इतना ज़्यादा मैं खाने नहीं वाली हूँ बट लेट्स स्टार्ट। एंड गाइज आई एम ऑल रेडी फॉर द ऑफिस, अब हमें निकलना है, सो चलो चलते हैं और मैं आपको आकर ही मिल पाऊंगी। सो या, और मैंने एकदम कल वाला ये आउटफिट पहना जो मैंने आधी घर के लिए पहना था क्योंकि यार ये यूज तो हुआ नहीं था, मैं इसको वेस्ट कैसे करूँ, एक दिन पहन कर तो आई कॉन्ट वेस्ट इट। सो मैंने आज दोबारा से इसको रिपीट कर लिया, रिपीट क्लोथ्स। बाकी सही तो लग रही हूँ मैं, तो चलो चलते हैं विदाउट एनी मेकअप, जस्ट स्किन केयर एंड मी। एंड गाइज आई एम बैक होम, आज मुझे घर आने में ना बहुत लेट हो गई क्योंकि थोड़ा काम वगैरह था ज़्यादा। सो येस आई एम बैक होम, इट्स अराउंड 7 AM, यूजली मैं आ जाती हूँ, मैक्सिमम यूजली मैं 4 बजे तक आ जाती हूँ, बट आज थोड़ा काम वगैरह इसमें 7 बज गए मुझे। बट येस गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, बट बिफोर आई एंड दिस व्लॉग, कल ना कुछ एक चीज़ हुई थी जो मैं व्लॉग करने के बाद, मतलब मैंने पूरा एंड कर दिया था कल का व्लॉग, बट उसके बाद हमारे घर में एक चोर एंटर किया, मैं उसकी क्लिप ऐड कर रही हूँ आप देख लेना। गाइज हमारे घर में ना एक चोर बिल्ला आया था रात को, ऐसे ये जब यमी नहीं होता तो ये एकदम ऐसे दरवाजे खोलता है पूरे और ऐसे घुस जाता है खाना खाने के लिए। एक बार देखे पीछे फिर दिखाती हूँ, उसका मुंह कितना मोटा सा है, गोलगप्पा, और हम इसको कुछ नहीं कहते वैसे खाना खाने के लिए कि चुपचाप कोई नहीं खाकर चला जा, पर ये यम्मी को मारता है, यही बड़ी प्रॉब्लम है। इसको देखो जरा, इसको देखो ताबड़ तोड़ मिलना, ओए अच्छा पानी पिएगा क्या, गाल इसके इतने मोटे है भाई, ये देखो ओए कहाँ जा रहे है, ये ना और खाना रखा है उसको दिख रहा है, और मुझे थोड़ा सा डर है इसका इसलिए मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ। हाँ जी ओ मैं यहाँ पर ही हूँ, कहाँ इसको कोई डर नहीं है। एंड यस गाइज अगर आपने ये क्लिप देख लिया तो आपको पता चल गया हो कि क्या हुआ था घर में। एंड यस आई विल एंड दिस व्लॉग हियर, आई विल सी यू टुमारो विद अनदर डे अनदर व्लॉग, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।